matetu. The gap very much booty Tibeti, Ujana. At to no cut it. Jaga Hatchaliza, Gerke Moria, what the Kagada no Gagaya right in the kitchen there. To Jabi, Karata. I'm Sandy Abuzake or Kagabe, come or Korea, Suba Merilie, Garam Jal Bijana, Miss Hanan Kirke Bagwan, the present Bangi Karuma. ठीक अब हरनंदी घर आती है आप सुबह लोगों नाई को रिश्वत दी गई बहुत ज्यादा गर्म जल गर्म पानी करके ठाकुर द्वारे में भेजा गया ठंडे जल का वहां इंतजाम नहीं था डंग डंग पग पग पर परीक्षा ली गई नरसी की कि देखेंगे भाई क्यों कर स्नान करेगा क्यों कर भगवान का भजन करेगा अब वो गर्म जल देखा गरम जल देख के कि भाई नरसी चिंतित हो जाता है कि भाई नरसी जी घबरा गए लगे मन में कर्ण विचार लोगों हो के घटा बरसन लगे वो इंद्र मूसल था ऐसी जोर की बारिश हुई कि जल ठंडा हो जाता है नरसी ने स्नान किया भगवान का ध्यान किया और उधर से मनसा सेठ ने नाई को फिर दोबारा भेजा जा भाई नहा दो लिया होगा और उन नन्हों का पाठड़े पाओगा बेरा दे अब बताते लोगों नाई ने जाके कहा और उधर से भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर आरत लेके और उसमें सारा सामान बात का डाल के और ठाकुर द्वारे के बारे में आकर आरत ने खड़ा कर देते हैं और हूब हूब आरनंदी की शक्ल बना और कहा सेठ जी आओ चलो बात भरेंगे बुलावा आ गया खाया गया चलो पटरे पर चलेंगे अब नरसिंह और बाबा जी सारे रथ में बैठ लिए ठाकुर द्वारा से और मनसा सेठ के घर तक दोनों तरफ लोग लुगाई बालक बूढ़े सब लाइन बन जाती है मजाक हो गया नरसिंह का क्यों बाबा बैठे भी थे रथ में अरे गा बालक आगे ने मुंह काट देना बुढ़िया पकड़ के खेच ले पछे ने मरिया काटने जोगे कान फाड़ लेंगे उल्टा हो ले मजाक हो जाता है और वो जो ज्वाला लड़की थी हा हरनंदी नंद बा दौड़ के गई नुक नगरी भाभी अरे तू तो बहुत झूठी रही क्या के तू नुक थी मेरा भाई को ना तेरा भाई तो बिल्कुल तेरे कैसी शक्ल और अर्थ लेकर आउन लाग रहा है ने बोली ज्वाला तंग मत करो मेरा बाप आया बाबा जी लेके ईब तो तुम राजी हो रहे हो जो पटड़े पाओगा कुछ दिन में नहीं मिलेगा जब थारी आंख खुल रही तंग मत करो ने बोली पर चाल अगना मैं नहीं आती चल तो ने बोली मत आओ पर मैंने तो लोटे का नेग लेना है राज के शेर देनी ही बार आने खड़ी हुई और इतनी कहते कहते भगवान श्री कृष्ण रथ को लेके बरनिया का आगे अगर पड़ोस की औरतें इकट्ठी हो रही लेकिन हरनंदी नहीं दिखाई दी भगवान श्री कृष्ण कहते हरनंदी कहाँ है कल लगे बाद अभी फिर पड़ी है रोन लाग रही है तड़के की बार बुलाओ मारे बुलाए थे वामती को ने बोला तो मेरे को रास्ता दो आप भगवान श्री कृष्ण को रास्ता दिया भगवान श्री कृष्ण अंदर जाते हैं हरनंदी रो रही जाक हाथ जोड़ के प्रणाम किया है बेबे प्रणाम है हरनंदी प्रणाम अब वो हरनंदी तथा घूंघट करके बातें करती नुक लग गया है तेरे को शर्म आनी चाहिए अपने भाई से घूंघट करके बातें करती है न बोली मेरा कोई भाई नहीं है तू कौन बे रुपया मेरी शक्ल बना के आ गया न बोले नो मत कर हरनंदी शायद तेरा टोटे वाला भाई है पर एक मेरी बेबे तू बाहर तो चल टीका तो कर मेरे को मिंग तो अब महान भाई का प्यार दिखाते भगवान श्री कृष्ण अरे बाण भाई का प्यार सहेगा जब लोगो एक मारे काम का गाधा बात भरने हर उड़े जब पटड़े पर पहुंचा ना अगर पड़ोस की लोग या ना गा गीत गलियारा सखेर आई री के बाती आवेंगे मेरा चुंडा मरखेरी के चुंदर ले आवेंगे और उसकी बेबे ने गा गीत मेरी नीचे ठानी के पांच भाई मेरे माँ का जाया एकला नौकर देने वाले भाई रोई
ये मने के बेरा था ईसा गीत गाओगी ना गोरे वाली तीन भी जगी और फूके अंतम ला पर तेरा कसर नहीं छोड़ता तो बाण भाई का प्यारा ईसा हो जाए हम लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हो गए और के लगे Hey!
ना बंद कर दी बेटे, अब तेरा रोने का समय खत्म हो चुका है। ये रोग है तेरा ससुरा, रोज तेरी सासू, और चालू तेरी ननंदने भी देखूंगा, वह भी बहुत धरती खाट रो मत मेरी बेटे। और आज तो तन कह दी, आज के बाद मैं तेरे मुंह तो नहीं सुनना चाहता कि मेरे को भाई को बेबे, अगर को तेरी सासू ननंद या अगर पड़ोस की औरत न के ना अगर भाई को ना तू बन भैया की बाण से, आज के बाद छाती ठोक के न्यू के दिए नंदी, ये मेरे दैसा भाई से तीन लोक में किससे के भी कोई दैसा। मैं नहीं सुनना चाहता बेबे, मेरी बात सुनिए, क्या कहा था? Thank you.